और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से रिहा होते ही पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं। वे लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और इतना ही नहीं, अब हेमंत सोरेन अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें बीजेपी उलझ सकती है। लोकसभा में प्रदर्शन सुधारने के बाद जेएमएम के साथ आरजेडी और कांग्रेस भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आभार यात्रा निकालेंगे। आभार यात्रा के जरिए जनता का जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास होगा। हेमंत सोरेन सभी जिलों में आभार यात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं और तमाम जिलों में आभार यात्रा के माध्यम से राज्य में राजनीतिक तापमान को गर्म रखने के साथ ही इसका राजनीतिक लाभ भी उठाया जाएगा। जेएमएम के साथ कदम कदम पर कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे और दोनों दलों के निशाने पर बीजेपी होगी। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, अब हेमंत सोरेन पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, जेल से आने के बाद आभार यात्रा निकाली जाएगी उनकी तरफ से, झारखंड के अलग अलग जिलों में जाएंगे, जनता का आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे और इस यात्रा के जरिए राजनीति साधने की कोशिश भी होगी क्योंकि सामने लक्ष्य विधानसभा चुनाव का है। बिल्कुल रश्मि, देखिए सही कहा आपने, आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा का चुनाव है और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस समय लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता का समर्थन जो है मिला 2019 में, जब जेएमएम को मात्र एक सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में, जो विजय हांसदा यानी कि राजमहल की सीट जो है वो जेएमएम के पाले में गई थी। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जो है वो जेएमएम ने जीती है, यानी कि जोबा मांझी की बात की जाए या विजय हांसदा की बात के जाए तो ऐसे 3 प्रत्याशी हैं जो चुनावी, नलिन सोरेन की बात की जाए तो 3 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में जीत करके यानी कि संसद दिल्ली तक पहुंचने का कार्य किया है। तो जनता ने प्यार और समर्थन दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ऐसे में हेमंत सोरेन का ये फैसला है कि वो आने वाले दिनों में आभार यात्रा निकालेंगे। इस आभार यात्रा के जरिए जो है वो जनता से कनेक्ट होंगे और जनता का समर्थन, और देखिए उद्देश्य यह भी है कि कैसे बीजेपी की जो रणनीति है उसे चारों खाने चित किया जाए, यानी कि बीजेपी कैसे चारों खाने चित हो, एक बार फिर से 2019 का परिणाम जो है वो दोहराया जा सके और बीजेपी की रणनीति पर पानी फेरा जा सके। चूंकि उन्होंने कहा भी है कि आदिवासी मूलवासी के विकास हेतु हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। देखिए उन्होंने कल सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है और उन्होंने कहा है कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए सारी बाधाओं को दूर करते हुए और हम डरने वाले नहीं है ना झुकने वाले हैं और ऐसे में राज्य हित के लिए हमेशा हम डटे रहेंगे चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। तो ऐसे में जनता का एक समर्थन जो है वो कैसे प्राप्त किया जा सके, कांग्रेस के साथ मिलकर के, कांग्रेस हो राजद हो सबको साथ लेकर के चलेंगे और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में कैसे एक बार फिर से महागठबंधन फतह हासिल कर सके, इसके लिए ये आभार यात्रा कर सकते हैं कि निकाली जा रही है। बिल्कुल, और इस आभार यात्रा के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश भी होगी हेमंत सोरेन की। साथ ही साथ हेमंत सोरेन अब अकेले नहीं है बल्कि गठबंधन के तमाम दल उनके साथ है और खुद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी अब विधायक हैं तो वो भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना जब आभार यात्रा पर हेमंत सोरेन निकलेंगे। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।